एक और असाइनमेंट किससे रिलेटेड, एस एन वन एस एन टू से रिलेटेड। तो हम वापस प्रैक्टिस करते हैं SN1 SN2 की, और चलिए अपने पूरे फंडामेंटल तैयार रखिए और शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है ये हमें मालूम है, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। बोलो यस, ठीक है। तो अब इन सब के कार्बोकेटाइन बनाओ आप। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ होगा, क्या इसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, क्योंकि रेजोनेंस है, प्रॉपर रेजोनेंस है, ऑक्सीजन भी सपोर्ट करेगा। क्या यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? हाँ, लेकिन यहाँ इसके कंपेयर में कम रेजोनेंस है, और यहाँ रेजोनेंस है और भी कम। तो आप एक ही लाइन लिखिए, रिएक्टिविटी फर्स्ट के अंदर रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्रोपोर्शनल रेजोनेंस कार्बोकेटायन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट, और फिर सेकंड, और फिर थर्ड, यानी आपका आंसर जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बोलो यस और नो। तो इसका आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फॉर गिवन कंपाउंड इज, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है यानी सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? SN2 के लिए। बिल्कुल सही है। तो हम जानते हैं SN2 के लिए हम क्या देख रहे हैं। तो SN2 के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ कार्बोकेटाइन कुछ भी नहीं होता, और हमें सब कुछ देखना रहता है प्लस चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा है। तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यहां पर 1 डिग्री एल्काइल है, यहां एक तरह से माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस CH ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का या कीटोन ग्रुप का। यहां पर प्लस आई ग्रुप भी दिख रहा है, और यहां पर 1 डिग्री भी है, 1 डिग्री एंड प्लस आई। तो प्लस आई यहां पर प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट करेगा या माइनस डेल्टा? माइनस डेल्टा। और यहां पर छोटा प्लस आई इफेक्ट है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आप ही बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जहां प्लस डेल्टा चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड, फिर उसके बाद ये क्या नंबर है? फर्स्ट। तो सेकंड फर्स्ट, तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? सेकंड फर्स्ट, और उसके बाद छोटा एल्काइल ग्रुप है तो यानी कि हमारे लिए फोर्थ, और इसमें बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज डेंसिटी इस कार्बन पे क्या हो जाएगी? कम। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। तो नोट डाउन करिए इसका आंसर फोर्थ। अच्छे समझ में आया? तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अगर SN1 हम देख रहे हैं तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रेसेमाइजेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी से बोले, रेसेमाइजेशन होगा। लेकिन क्या 100% SN1 रिएक्शन होती है कोई भी? नहीं, कुछ हद तक SN2 भी होती है। तो इसको 100% रेसेमाइजेशन नहीं बोल के हम ये बोल सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, ये मान के चलिए इन्वर्जन होगा और रिटेंशन भी होगा, और इन्वर्जन SN1 से भी होता है, और इन्वर्जन आपसे SN2 से भी होता है, और रिटेंशन हमारे पास किससे होता है? सिर्फ SN2 से। तो यहाँ आपके पास इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि वो SN1 बोल रहा है, तो मान लीजिए 51% ये होगा, 49% ये होगा, तो उस हिसाब से 100% आपके पास इन्वर्जन या रिटेंशन नहीं होगा, न रेसेमिक बनेगा। तो इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसेमाइजेशन, ये इसका सही आंसर है। बोलो यस। हाँ, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता और इस तरह के ऑप्शन नहीं होते, ये होता है कि रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, तो होता क्या है कि हम इसको रेसेमिक ही बोल देते हैं उस जगह, लेकिन जब लिखा हुआ है 100% रेसेमाइजेशन तो गलत है, और एक होता है रेसेमाइजेशन तो सही हो जाता। तो क्वेश्चन की थीम को पकड़ के आपको समझना पड़ता है कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। 100% रेसेमाइजेशन नहीं होता है, हाँ काफी हद तक पार्शियली रेसेमाइजेशन होता है, क्योंकि 100% SN1 रिएक्शन भी नहीं होती है बेटा, तो इसलिए आंसर 100% SN1 नहीं होती, तो 100% रेसेमाइजेशन भी आप नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्लियर है, इसका आंसर क्या जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या हो जाती है? SN2। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रही है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन SN2 होती है, मल्टीपल स्टेप SN1 होती है, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट टाइप कुछ इस तरह का भी होने के चांसेस होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा डेल्टा एच यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, और यहाँ डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है
कि हमारा ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN2, हाँ ये SN2 है, दिख रहा है SN2। रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा इज नेगेटिव। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पूछते हैं, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन विद ए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये भी बिल्कुल सही है, SN2 है। तो मैं आपको सही बता दूं, SN1 रिएक्शन दो या दो से ज्यादा होती है और SN2 रिएक्शन दो से कम पे होती है। अब बात आती है ये, थर्ड शो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शंस विद लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट, जो आपके पास है वो स्लो स्टेप होती है। तो ये सब कुछ अच्छा है, यहां पर कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर डी टिक करें जल्दी से, कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड होते क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। ये आपके पास एराइल हैलाइड हो गए, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर एक तरह से डीबीसी करेक्टर भी होता है, और भी बहुत सारे रीजन है। तो चलो पढ़ते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, लॉन्गर नहीं है, शॉर्ट होता है, हम और देखने की कोशिश करते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट, द इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल है, ये भी एक रोल में आ सकता है, SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द हेलोजन्स, बिल्कुल मोर करेक्ट। अगर मेरे से कोई पूछता है फाइव्थ का, तो मैं यहाँ पर डी, इसमें सब चीजें आ गई, SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच हो रहा है, तो SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन इतनी आसानी से आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो मोर करेक्ट के अंदर हमारे पास ये है, बाकी छोटे छोटे हमारे द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, तो ये कार्बोकेटायन बनाएगा ही नहीं, कम से कम SN2 ही देखने की कोशिश करता, लेकिन वो भी नहीं दे रहा। द इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम बात करें, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लिए हो सकता था माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू द हेलोजन, तो ये हमारे लिए मेन फैक्टर आ गया और हमें सिंगल चॉइस ही भरना है। तो आंसर क्या जाएगा, 10। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया इसका डी। अब फाइव के आगे सिक्स, तो चलिए सिक्स हम देखते हैं, हमारे पास सिक्स में क्या है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखते हैं, तो किस तरह से हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक एग्जांपल है, HBr हमारे को करना है, हीट करना है, HBr है, ठीक है। तो आप ही मेरे को बताओ कि कहाँ से HBr के साथ सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस ज्यादा है, ये वाला अल्कोहल आराम से H2 होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, Br यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो एक कंपाउंड बनेगा वो आपको बहुत आसानी से देगा, क्योंकि ये तो टूटने से रहा, DBC करेक्टर अच्छे खासे हैं, बस यही अलग होगा, और यहाँ CH2+ आएगा और CH2+ पे ही Br अटैच होगा, तो ये तो मेरे पास सही दिख रहा है। दूसरी तरफ OCH3 है, OCH3 में O यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये OH में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यही OH रहेगा। अब आप देखिए दूसरे वाले में आपके पास क्या होगा, यहाँ इंटरमीडिएट को पकड़ो आप, OH आपके पास है, और यहाँ पर OCH3, और यहाँ पर H आ गया, तो प्लस आ गया, तो ये टच अलग होगा, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, Br, तो ये HBr पे जाएगा, तो फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो इन चीजों को पकड़ो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिक्स का आंसर ए, तो सिक्स का आंसर ए आ गया आपके पास। सेवन करते हैं, सेवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए एक बार अच्छे से, SN1 रिएक्शन अंडरगोस थ्रू ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एस फॉलोस, भाई ये फुल बोलने की कोशिश कर रहा है कि SN1 रिएक्शन है, थ्रो है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एस फॉलो, और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, चलिए देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आगे ऑप्शंस दे रखे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो हमारे पास RX है, और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये तो तय है कि SN1 का है। तो हमारे लिए जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, उस पर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो किस पे ज़्यादा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल हैलाइड, फिर मिथाइल, मिथाइल तो SN1 दे ही नहीं पाएगा, तो क्या ये बिल्कुल सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सही है,
इस तरफ जाने पर SN1 की टेंडेंसी बिल्कुल डिक्रीज होती जाएगी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि MEX SN1 नहीं देगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी किसके लिए, MEX के लिए, फिर उससे कम इसके लिए होगी और इसके लिए सबसे कम होगी, तो MEX के लिए सबसे ज्यादा होगी और टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड के लिए सबसे कम होगी, तो ये भी सही है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या इसके लिए ज्यादा होगी, नहीं, इसके लिए तो सबसे कम होगी, तभी तो ये आसानी से रिएक्शन देगा, तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही रिएक्शन स्लो होती है, तो स्लो होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, इसी के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, इसी के लिए, तो सब इसी के लिए ज्यादा, इसलिए ये एनर्जी, ये इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये स्टेटमेंट थर्ड, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव व्हाट इज द करेक्ट ऑफ द फॉर द रिएक्शंस फॉर द अबव रिएक्शन, तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो चलिए कैसे देख रहे हैं आप, टोटल प्रोडक्ट आर फॉर्म, 3 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, आप देखो यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हुई है तो ये कायरल है, तो इसके कितने प्रोडक्ट होंगे, एक डी और एक एल, तो डी एल करके 2 हो जाएंगे और इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सिस एंड ट्रांस, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहां कार्बोकेटायन बनेगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये दोनों अलग अलग कैसे दिख रहे हैं, देखिए ये इस तरह से रिएक्शन हुई है, तो यहां पर सीएल है, कार्बोकेटायन बना, और जब कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट और रेजोनेंस जैसी चीजें हो सकती है, तो 1-2 शिफ्टिंग होके ये कार्बोकेटायन यहां चला गया और हो सकता है यहां पे भी आ जाता है, तो यहां से अगर बनता है तो ये रिएक्शन इस तरह से बनके यहां OH देगा, और अगर यहां से रहता है तो OH यही लग जाएगा, तो OH यहां लगेगा, तो कुल मिला के हमारे को ये दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट हमारे पास स्टीरियो सेंटर होने के कारण दोनों में ही 4 प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं, मिक्सचर एसेमिक होगा। टोटल 2 प्रोडक्ट आर कायरल, बिल्कुल ये सही है, 2 कायरल होंगे, बाकी 2 कायरल नहीं है, वो कायरल नहीं है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इन द रिएक्शन क्यों नहीं होगा भैया, सॉल्वोलिसिस हो रहा है और सॉल्वोलिसिस में तो कार्बोकेटायन बनता ही है, ऐसा मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, तो दिमाग में बिठा के चलें ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 9th, चले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो 9 क्या कहता है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट विल बी, SN2 रिएक्शन है, तो अब आप समझिए पहले तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं कि अगर आपको बनाना है HCH3, तो ये जो Br है इसके अपोजिट में OH आएगा, तो ये पूरा ग्रुप ऊपर ले जाओ, ये चीजें इधर ले आओ, या तो इस तरह से कर लो, ठीक है, तो कैसे ले जाओगे, बिल्कुल ले जाना पड़ेगा आपको, तो अब आपके पास इसके लिए ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसको घुमाओ कि Br आपको यहां दिखाई दे, तो आपने क्या किया, CH3 H और C2 H5 OH, जब आप यहां पर आपके पास Br है, जब आप OH लगाएंगे, लगा दो OH, OH जैसे यहां लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, इन्वर्जन के लिए यहां CH3 लगाना पड़ेगा और यहां क्या लगाना पड़ेगा, H, इन दोनों को आपस में घुमाना पड़ेगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोई सा भी नहीं दिख रहा क्या आपको, OH CH3 ये तो नहीं है कम से कम, तो काट दीजिए, क्या ये है हमारे पास, चेक करना पड़ेगा कि बी है या नहीं है। एक काम कर सकते हैं, रोटेशन रूल से आप जब इसको इस तरफ ले जाएंगे, CH3 ऊपर आएगा, H इस तरफ आएगा, और इसको होल्ड कर रखा है आपने, ये आपके लिए होल्ड है, इसको पकड़ के इन तीनों को घुमाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आप देखिए, तो ये आपको इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, CH3 उधर जाएगा, तो क्या इसका आंसर बी होगा, यस और नो, बोलो यस, तो ये तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा खास है नहीं, आप इसके लिखें जल्दी से, कुछ पूछना है किसी को, नहीं है, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू करें आप, 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, ETONA का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल Cl को हटाएगा, कौन सी Cl को हटाएगा, यहां पर
कौन सी रिएक्शन देगा? आप भी जानते हैं SN2 रिएक्शन देगा, बल्कि SNAR बोलना पड़ेगा इसको, SNAR। तो यहां पर वो वाला निकलेगा जो या तो ऑर्थो पर है या फिर पेरा पर है, ये वाला सीएल। तो प्रोडक्ट क्या होगा? OET। यानी इसका तो भिड़ते ही आंसर आपके पास क्या लगाना पड़ेगा? ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? 11। तो इसी क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले हेलोजिनेशंस होगा, CH3O, और यहां पर Br2Fe उस पोजीशन पे लगाएंगे जहां देखो ये प्लस एम लग रहा है, इसका प्लस एम इफेक्ट है या नहीं है? तो Br वहां अटैच होगा जहां प्लस एम है, यानी और उसके भी ऑर्थो और पेरा में पेरा को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा क्योंकि रिपल्शन कम है, तो Br यहां लग गया। लगा। अब आगे इसको आपने क्या करा? कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ? HBr। और HBr जैसे ही करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा? ये H यहाँ चला जाएगा, जाने दीजिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? CH2O Br, और यहां पर H आ गया। तो यहां प्लस आया या नहीं आया? आ गया। जब यहां पर प्लस आ चुका है तो ये चीज आपके पास टूट चुकी है। अब कार्बोकेटाइन यही बनेगा, यहां तो बनने से रहा, तो ये तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये बन ही चुका है, Br यहां पर और OH यहां पर। दूसरी जगह Br यहां अटैच हो जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो यहां पर CH2Br। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये देख रहा है आपको कि ये कहां से दिख रहा है, तो CH2Br OH CH। तो आंसर क्या दिख रहा है मुझे? ए। आप भी ए टिक करिए जल्दी से। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? द मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है और पूरी रिएक्शन दे रखी है हमारे को कुछ इस तरह की। तो करना शुरू करें, यहां हमारे पास CH3 है, CCH3, और ऊपर क्या है? PH है, ये O, और ये हमारे पास CH3 इस तरह से। तो H प्लस अटैक करेगा, सबसे पहली बार में H प्लस करेगा, यहाँ प्लस बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? फिर अब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, बना दीजिए कार्बोकेटायन। तो CH3 CCH3 और यहाँ पर PH। तो जब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल है, इसलिए मेरे पास CH3 पे ही OH जुड़ जाएगा और यहाँ कार्बोकेटायन देखने को मुझे मिलेगा। और क्योंकि कार्बोकेटायन मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुझे रेसिमाइजेशन भी मिलेगा, और यहाँ पर OH के साथ ऑक्सीजन 18 वाला कहाँ गया? आप देखिए ऑक्सीजन 18 H2O देगा, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन 18 विद रेसिमाइजेशन। तो मेरे लिए आंसर में क्या लगाऊंगा? बी। 100% इन्वर्जन में नहीं लगाऊंगा, मैं रेसिमाइजेशन लगाऊंगा, पार्शियली रेसिमाइजेशन तो होगा ही क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है यहाँ, तो रेसिमाइजेशन होगा। कब रेसिमाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर? जब एल्कली मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनता है तो रेसिमाइजेशन भी देखने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो आंसर बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 12 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड फर्स्ट। आप ही बताइए कार्बोकेटायन किस क्लोरीन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसने बोला है मोस्ट रिएक्टिव क्लोरीन टूवर्ड्स H2O। तो यही कार्बोकेटायन स्टेबल है और इसी जगह सॉल्वोलिसिस यानी SN1 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर आपका क्या जाएगा? CL3 वाला कार्बन। तो CL3 वाला कार्बन यही है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल, द कंसंट्रेशन OH इज रिड्यूस हाफ, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस बाय एक्स टाइम, रिपोर्ट योर आंसर 10x। तो देखिए एक को तो आप 3 टाइम्स कर रहे हो और एक को 1/2, तो रेट आपके पास दोनों के ऊपर प्रोपोर्शनेट होती है क्योंकि SN2 है, तो सब्सटेंस पे भी प्रोपोर्शनेट होती है और OH पे भी होती है। तो एक तो हो गया 3 टाइम्स, एक हो गया हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5, और आपको 10 टाइम्स करना है, 1.5 × 10 यानी आपका आंसर क्या जाएगा? 15। बिल्कुल, तो आप आंसर क्या शिफ्ट करेंगे इसका? 15। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपाउंड है जिसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो आप इसको समझें कि PCl5 के साथ जब आपने रिएक्शन कराई तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2OH। OH आपके पास जैसे ही आपने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई तो
क्या बनाएगा सबसे पहले? सीएल आएगा, और पहले तरीके से बना लो OH PCl5। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी इस जगह? SN2। ध्यान से सुनिए, PCl5 PCl3 ये SNCl, ये आपके लिए SN2 रिएक्शन देंगे और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये आपके पास Cl आ गया, तो आ गया। अब ये आपके पास Cl आने के बाद SH के साथ रिएक्शन कर दिया आपने। तो जब ये SH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SH स्ट्रॉन्ग वे से, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SH, तो यहाँ पर भी कौन सी देगा? SN2। ये भी SN2। तो दो SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिल गई है। अब OH माइनस आया, तो OH माइनस आने के बाद वापस एक बार और आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, और यहाँ पर आपके पास CH2 क्या हो चुका है? OH। बोलो क्लियर है? तो यहाँ आपके पास एक बार और SN2 रिएक्शन देखने को मिल गई। इज दैट क्लियर? इतनी बार आपके पास SN2 रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो अब आगे क्या है आपके पास? इस जगह X के साथ रिएक्शन करा, हमारे लिए X यहाँ बताया नहीं है, तो बताया PCl5 के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वो X है, जबकि ये वाला X हमारे पास है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कौन है? CH2X के साथ, SH के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा CH2, और ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से बनाए इसको जल्दी से, तो CH2, ये वाला S आ जाएगा, H2 निकल जाएगा और CH2, और ये कंपाउंड आपका फाइनली ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN, जल्दी से बताइए। ये एक तरह से सॉल्वोलिसिस ही हो रही है आपके पास, और सॉल्वोलिसिस हो रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास क्या दिक्कत, क्या आएगी प्रॉपर्टी SN1 की? तो तीन आपके पास यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है? SN1। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिखें इसको। तो तीन कहाँ पर हो रही है? एक दो तीन। एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, कहाँ होना चाहिए? ये है एक्स। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, थोड़ी सी गलती है इस पॉइंट में, तो इनको सही करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको करें आप फास्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, आपके पास अमंग द सिक्स हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म C7H13Br कैन फॉर्म दिस दिस वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन वन ऑल। तो पहले तो सात कार्बन है, इसमें कितने? पाँच, छः, सात, ये सही है, Br सही है, एक ही Br है, इसमें छः, सात, आठ, ये तो गलत हो ही गया, पाँच, छः, सात, ये भी सही हो सकता है, अभी तक तो ये सारे मेरे को सही लग रहे हैं। अपना आंसर एक दो तीन चार पाँच, पाँच या पाँच से कम जाएगा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला मान लीजिए फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि ये अभी तक तो सही जा रहा है। तो अगला कार्बोकेटायन हमारे इसमें Br यहाँ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एक तरह से सॉल्वोलिसिस टाइप ही हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट होगा तो ये कार्बोकेटायन, क्या ये 1-2 शिफ्टिंग देगा? हाँ, और रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, जिससे आपके पास कार्बोकेटायन यहाँ इस तरह होगा, और फाइनली फिर 1-2 शिफ्टिंग होगी, और जब 1-2 शिफ्टिंग होगी तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, और लास्ट में OH सॉल्वोलिसिस की वजह से यही OH आ जाएगा। तो क्या ये 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन ऑल 1 नहीं बन जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल बनेगा, हाँ बिल्कुल। तो इससे तो बन रहा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, 6 कार्बन आएगा, तो ये आपके पास वापिस इस तरह का होगा, और प्लस कार्बन आपके पास कहाँ आ जाएगा? यहीं, तो ये भी बनाएगा इस तरह से, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा जो 1-2 शिफ्टिंग करके यहाँ आ जाएगा, और फिर OH यहीं आएगा, तो ये भी बनाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री है, 1-2 शिफ्टिंग नहीं होगी, और OH यहीं आ जाएगा। यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, यहाँ आएगा, और यहीं OH दिखाई देगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये पांचों आंसर सही हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5। बस वो हमने जो काटा है वो एक ही काटा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे थे, तो वो तो ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव वाइल प्रेसिपिटेट विद एक्वास AgNO3? तो एक्वास AgNO3 हमारे पास कौन सा देगा? तो मैं आपके साथ हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास पहला Cl है, तो क्या यहाँ पर एक्वास AgNO3 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होने के बाद यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? H+ अलग होगा, तो आप ही मेरे को बताइए प्लस आएगा या माइनस आएगा?
सीएल माइनस अलग करेगा तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, तो ये तो नहीं होगा। क्या ये एरोमेटिक बनाएगा, हाँ। क्या ये बनाएगा, हाँ। क्या ये बनाएगा, इसमें तो डीबीसी करेक्टर है, ये नहीं बनाएगा। क्या ये बनाएगा, हाँ, एरोमेटिसिटी आएगी। क्या ये बनाएगा, हाँ, स्टेबल कार्बोकेटायन है काफी। तो आंसर क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये चारों जो मैंने टिक करे हैं, ये या तो कार्बोकेटायन ऐसे हैं जो एरोमेटिक है, या हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, आपके पास क्या हो रहा है, 4। तो ये आपके पास हो गया 4, लिखें इसको। अब आइए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शंस एंड रिपोर्ट योर आंसर इन एक्स एंड वाई। तो देखिए, एक तरह से सॉल्वोलिसिस हुआ है, कार्बोकेटायन बनेगा, स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। तो जब भी स्टीरियो सेंटर होगा तो डी एंड एल बनेंगे, यानी टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2। यहाँ पर भी आपके लिए कार्बोकेटायन जनरेट होगा एसिडिक मीडियम में, कार्बोकेटायन बनेगा, स्टीरियो सेंटर होगा डी एंड एल, तो आपके पास कितने होंगे, दोनों में दो दो प्रोडक्ट। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के हैं, तो आपका आंसर आएगा 22। तो इसका आंसर लिख लीजिए 22, एक्स एंड वाई ऊपर 22, इसलिए क्योंकि एक्स वाई फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो 2 2 में लिखना है आपको। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। अब आगे हमें क्या दिया जा रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल एमईओ विल डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन। तो भैया देखो, हेलोजन निकालनी है, कौन सी हेलोजन आसानी से निकलेगी, फ्लोरीन कोई भी नहीं है, फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन भी एक ही निकालनी है क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है। तो कौन सी क्लोरीन पहले निकालूंगा मैं, जो ऑर्थो पे हो, ये है, तो ये वाली क्लोरीन यानी क्लोरीन नंबर 2 निकलेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्लोरीन की होगी, सेकंड प्रायोरिटी इस ब्रोमीन की होगी, यानी फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी इस क्लोरीन की होगी, फोर्थ प्रायोरिटी इस ब्रोमीन की हो गई, क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 को, क्या बोल रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो विल बी। तो देखिए एच है, यहाँ पर ये अलग करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा ना, कार्बोकेटायन शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होने से पहले भी ये दो प्रोडक्ट बना चुका होगा, आर एंड एस या डी एल बोल लो, फिर ये शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, ये भी स्टीरियो सेंटर है, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 2 शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर भी दो बनेंगे डी एंड एल, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, 4। तो ध्यान रखिएगा, 4, 1 2 शिफ्टिंग होने से पहले 2 और 1 2 शिफ्टिंग होने के बाद 2, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस है, कौन सा हमारे लिए सही है। देखिए रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर देखा जाए तो 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, और 50% एक्वास इनोल दिया हुआ है सॉल्वेंट, ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये आएगा बिल्कुल, इन दोनों में, सेकेंड में रेजोनेंस, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, फिर बहुत ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस है और कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो थर्ड नंबर पे ये बिल्कुल सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इधर देखिए, यहाँ 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये पूरी प्रोसेस जो हमारे पास एक्वास एनॉल है, ये SN2 को प्रमोट करता है, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्वोलिसिस करना है, SN1 को प्रमोट करता है, और SN1 यानी कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा है। तो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यहाँ पर इनमें कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, ये वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री जो होता है ना, यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये हमारे लिए चीज सही नहीं जा रही है, बाकी सब कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, K1 K2 K1 डैश K2 डैश आर रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह की जो साइक्लिक है या बाई साइक्लिक एनिलीन है, इनमें इन्वर्जन नहीं होता, तो नो इन्वर्जन ऑफ एमीन, तो नो इन्वर्जन ही अपने आप में क्या होता है, सो बेसिक स्ट्रेंथ हाई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई, और बेसिक स्ट्रेंथ हाई रहेगी तो रेट एंड रेट कांस्टेंट भी क्या होगा इसके लिए, हाई रहेगा। तो बच्चों इसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसकी क्या है, ज़्यादा है एक तरह से, तो यहाँ आराम से देगा ये, और इस
इस तरह से आपके पास क्या हुआ, के वन और के वन डैश में कौन ज्यादा है, के वन ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ही क्या है, ज्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा रहेगी, इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ इन्वर्जन होगा। कब, ये लोन पेयर एल्काइल ग्रुप के साथ इंटरचेंज होता रहेगा जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या रहेगी, कम रहेगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ के टू और के टू डैश में भी के टू ज्यादा होगा, बोलो यस और नो। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं के वन और के टू में के वन के टू से ज्यादा होगा और के वन डैश के टू डैश से ज्यादा होगा। इन चारों से आप आंसर पकड़े, के वन डैश से ज्यादा है बिल्कुल सही है, के वन के टू से ज्यादा है बिल्कुल सही है, के टू डैश और के टू में के टू डैश कम है तो ये गलत है, और के टू डैश के वन डैश है गलत, ये भी गलत है। के टू डैश और के वन डैश में कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली कोई रिलेशन ही नहीं है, कम है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ए बी करिए। सेकंड का आंसर क्या लिखा आपने, ए बी। अब बात करते हैं अपन किसके लिए नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए साइनो, यानी आपको यहां पर कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहां आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी एच बी आर और एफ, और यहां पर क्या आएगा एच। तो हमारे पास एफ दिस, हमारे पास एन ए सी एन है और वो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर 1 मोल, तो बहुत आसानी से ए मेजर कौन सा बनेगा, आप ही सोचिए कि यहाँ मेजर कौन सा होगा। तो मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पर सी एन माइनस जो आएगा वो इस जगह इन्वर्जन रिएक्शन देगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी आपके लिए एस एन टू रिएक्शन देगा, तो ये सॉलिड पे पहुंच जाएगा कौन, सी एन, और बी एच डैश पे आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ और ये एच, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, ए। लेकिन इसको रोटेशन रूल करते हैं, तो जो सॉलिड होता है वो डैश हो जाता है, जो डैश होता है वो सॉलिड, तो इसका एक और ऑप्शन बन सकता है और वो कुछ इस तरह का है, यानी ये उधर जाएगा तो जो सॉलिड होगा वो डैश हो जाएगा और जो डैश होगा वो सॉलिड हो जाएगा, तो यहाँ एच और ये डैश में हो जाएगा सी एल, और ये इधर आएगा तो ये सॉलिड में हो जाएगा एच और डैश में हो जाएगा एफ, तो इस तरह से आपके दो ऑप्शंस आंसर होंगे, सी बी इसका आंसर जाएगा, तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, बिल्कुल आपका आंसर होगा ए एंड सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। टोसाइल क्लोराइड है पिरीडीन के साथ है, तो यहां पर आपके पास कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, एस एन टू, नहीं इस तरह से समझ लीजिए एस एन टू क्या, ये टोसाइल इधर जाएगा और एच अलग हो जाएगा, तो एक तरह से यहां अभी आपके पास कुछ भी नहीं, सब्सिट अभी तक तो सिर्फ ऑक्सीजन पे सब्सिट्यूशन है, एल्काइल पे नहीं दिख रही आपको, एच सी एच थ्री और एच और यहां पर ओ टी एस हो जाएगा, और ओ टी एस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो एन ए बी आर के साथ ये अपर अपर चेंज कर लेगा, तो कुल मिला के ये आपके पास एच सी एच थ्री और अब बी आर ऊपर आ जाएगा और एच नीचे आ जाएगा, तो बी आर ऊपर आ गया एच नीचे आ गया, तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, बी। तो फोर्थ का आंसर आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, बी। क्या और भी कुछ दिख रहा है, और एक्स कौन सा रहेगा आपके पास, एक्स एंड वाई, तो एक्स आपके पास ओ टी एस यानी ए एंड बी दोनों आएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया ए एंड बी। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन देखना है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवर फॉर एस एन टू, एस एन टू के लिए देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सही है, पोलर प्रोटिक नहीं चाहिए, पोलर अप्रोटिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सही है आपके पास, 3 डिग्री नहीं चाहिए, 1 डिग्री चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए हमें, तो आंसर क्या जाएगा, ए बी। तो ये बिल्कुल ए बी सही आंसर जा रहे हैं इसके। अब बंद करते हैं अपन और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स की, तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है यहाँ हमारे पास करना है, तो चेक करिए बताइए 6 के आंसर क्या क्या जाएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे लगभग ये भी न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी एल आ जाएगा ओ एच हटके, ये भी न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन है, बस अंतर ये है कि ये एस एन टू मैकेनिज्म दिख रही है, यहाँ पर एन ओ टू है, सी एल निकल जाएगा, एस एन ए आर दिख रही है मुझे,
तो ये ए आर दिख रही है, तो ये वाला चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर एस सी टू एच जो भी है अटैच हो जाएगा, एस सी एच टू सी सिक्स एच फाइव यहाँ अटैच हो जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सी एल आ जाएगा और एसओ सी एल टू है तो रिटेंशन आएगा, लेकिन होगा तो यहाँ कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, एस एन आई, बिल्कुल यहाँ आयोडीन, बिल्कुल एक तरह से ये एस एन वन रिएक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन होगी तो सारी, तो आपने क्या पढ़ा इसमें, एस एन वन भी है, एस एन टू है, एस एन आई भी है, एस एन ए आर भी है, सारे एक एक एग्जाम्पल है और सारी आंसर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, इसने कहीं नहीं बोला ए आर है या वन चाहिए, तो आंसर क्या जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेप्स रिप्रेजेंटिंग एस एन वन मैकेनिज्म फॉर द क्लीवेज ऑफ ईथर विद एच आई। तो देखिए यहां पर एस एन वन बोल दिया है, तो बोल दिया है तो आर डैश और आर में से एक तो आपके पास क्या होगा, जल्दी से बोलो, एक तो 3 डिग्री या फिनाइल ग्रुप होना जरूरी है, तो अब मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, तो आंसर क्या होगा, सेवन का, सेवन का आंसर मेरा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देख लिया मैंने, आंसर जा रहा है बी एंड सी, कैसे मैं सोच रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, पहली चीज कि आर जो भी है यहां पर आएगा तो 3 डिग्री होना जरूरी है, और जो 3 डिग्री होगा वो कार्बोकेटायन बनेगा और OH आएगा, तो यानी कि ये तो सही है ही, और जो बचेगा 3 डिग्री वही आई के साथ अटैच होगा, आर आई बनाएगा, यानी आर डोएश यहाँ पर 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री ये होगा, बाकी आप समझ ही सकते हैं, और ऊपर वाली रिएक्शन ही आपके लिए क्या रहेगी, स्लो। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए, आपके पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपके कौन सी है, ये आपके पास आ गया NH2 थैलेमाइड रिएक्शन हो गया, ये देखिए पहले पहले वाली रिएक्शन कौन सी होगी आप ही बताइए, NH, मैंने कई बार इसी मंच पे आपको बहुत बार बोला है, क्या बोला है कि बेटा एमाइड एसिडिक होता है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, बस एक बेस की जरूरत है, तो जैसे ही OH आया तो ये H ले जाएगा, तो जब ये ले जाएगा तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ये आपको इस तरह से आपके पास कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो ये आपके पास यहां पर, सॉरी ये नाइट्रोजन पे माइनस आएगा और यहाँ ये हमारे पास बन गया 10, तो थेलेमाइड ही हमारे पास बन गया था, थेलेमाइड से हमने ये सॉल्ट बना लिया, अब आरएक्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, आरएक्स के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सी देगा बेटा, ये एन आएगा, एक्स बाहर जाएगा, तो ये एक तरह से कौन सी रिएक्शन देगा, एस एन टू, और आर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, और रेयर केस में 2 डिग्री भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट तो 1 डिग्री रहेगा, तो मेरे हिसाब से आरएक्स में ये रिएक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेट स्टेप फॉर द दिस, तो आप ही बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, अच्छे से बताइए देख के कि किसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिख रहा है आपको, तो इस हिसाब से 1 डिग्री कम दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या जा रहा है इसका, 8th का, जल्दी से बताइए, सी जा रहा है पक्का, सी जा ही रहा है क्योंकि 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो क्या डी भी जा रहा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बोकेटायन प्लस चार डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ प्लस चार डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि इस कार्बन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो थोड़ा सा ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो सी तो आंसर जा ही रहा है, लेकिन और कौन सा जाएगा जल्दी से बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आई चार्ज होने की वजह से यहाँ प्लस चार डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी थोड़ा सा, ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट, तो ये भी आपको सपोर्ट करेगा किसके लिए, एस एन टू के लिए, तो यहाँ पर सी और डी दोनों आंसर जाएंगे आपके, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे ये आपके पास एक और रिएक्शन दे दिए, बहुत इजी रिएक्शन है, आपके पास ये कंपाउंड है, एन ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल लिथियम, अगर ऐसा है तो ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आते ही आपके पास क्या होगा, पहली रिएक्शन होगी एसिड बेस, यहाँ क्या चार्ज आएगा माइनस, और इस पे कौन छूट जाएगा Li प्लस, और यहाँ पर एक तरफ प्लस माइनस, तो ये एन ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन और ये एच हो गया, तो ब्यूटाइल से एच अटैच होते ब्यूटेन हो गया, तो पहली रिएक्शन तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये Cl को रिप्लेस करेगा, और Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन सी देगा, SN2, तो CH2O CH3 अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा,
पूरा क्लियर करिए। तो स्टेप फर्स्ट इज एसिड बेस रिएक्शन, स्टेप टू एसएन टू रिएक्शन। तो मेरे लिए आंसर क्या जाएंगे, ए बी दोनों जाएंगे, बिल्कुल है। और प्रोडक्ट हमारे पास होगा एन ब्यूटेन और वाई एरोमेटिक होगा, बिल्कुल ये भी सही जा रहा है। और द न्यूक्लियोफाइल इन सेकेंड रिएक्शन इज ब्यूटाइल। आपको लग रहा है 9 का आंसर डी साय का, नहीं, तो आंसर क्या जाएंगे सिर्फ ए बी सी, क्लियर है। हाँ तो हमारे पास ये बहुत ईजी है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हमारे पास अमोनिया है, बार बार रिप्लेस करता जाएगा, सॉल्ट बनाएगा और ये पूरी तरह से रिएक्शन एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसीलिए 10 का आंसर आपका क्या जा रहा है, ऑप्टेन बाय एसएन टू मैकेनिज्म और अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल। तो ए भी आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है, क्लियर करो इसको। तो ये आपके पास हो गया, क्लियर है। अब पैसेज वाले करिए इस क्वेश्चन में, जो कि आपके पास ईजी है, थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ सकते हैं, आप इन सबको कर सकते हैं। तो फटाफट बताइए कि ये बीआर है, बीआर और चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको आपस में, बिल्कुल। तो ये कौन सी रिएक्शन है, आपस में चेंजेस हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, तो एसएन टू रिएक्शन होगी। हाँ यहाँ कौन सी रिएक्शन देखने को मिली है, एसएन टू। इस तरफ देखिए बीआर एक तरह से रेसेमिक हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसएन वन। यहाँ क्या होगी, इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, एस एन टू। यहाँ ओ एच और सी एल सेम डायरेक्शन में आया, कोई रेसेमिक नहीं है, तो एस एन आई। और यहाँ पर अब आपके पास इस जगह एक तरह से देखा जाए तो बी आर चेंज हुआ है आयोडीन के साथ, और साथ में ये पेयर भी, यानी इन्वर्जन देखने को मिला है आपस में। तो जब आपके पास इन्वर्जन देखने को मिला है तो खत्म बात, इन दोनों का भी चेंजेज हुआ है आयोडीन आने के साथ, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एस एन टू। तो एस एन टू, एस एन वन, एस एन आई और एस एन टू। तो आंसर क्या जा रहा है, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, क्लियर करो। और यहाँ आपके पास आ रहा है गिवन रिएक्शन है, पूरा सी एल है, और ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, एस एन आई रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। ओ एच की जगह क्या आ गया, सी एल। तो ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्टेन। तो भैया रिटेंशन कब मिलेगा आपके पास, देखिए रिटेंशन एक बात तो क्लियर कर लिए कि रिटेंशन इन्वर्जन में तो नहीं मिलेगा आपके साथ, यानी एस एन टू में तो नहीं मिलेगा, एस एन वन में मिल सकता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा, आप सिर्फ एस एन टू के लिए बात कर रहे हैं, तो चलिए। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व। तो मैं बात करता हूँ एन ए आई, एन ए आई यहाँ पर बिल्कुल बी आर आएगा, तो ये तो भूल जाओ, काट दो इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ आपके पास एक तरह से 3 डिग्री है, तो यहाँ रिटेंशन इन्वर्जन दोनों को देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि O माइनस, ये O माइनस आएगा, ये यहाँ जाएगा, सी एस सी निकल जाएगा, तो जिस तरफ O है उसी तरफ ये दिखाई देगा, लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पर ये रिएजेंट है, इसलिए इसके कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ आपको सेम जिस तरफ O माइनस है उसी तरफ दिख रहा है, इसलिए हम रिटेंशन बोल रहे हैं, अदरवाइज होगा तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यानी एस एन टू मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी आपको रिटेंशन देखने को मिल रहा है इस कायरल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये इस जगह आप जिसको रिएजेंट बना रहे हो, या अपने आप जिसको आप सब्सटेंस बना रहे हो, वो अपने आप में रिएजेंट है। तो इसलिए आंसर क्या लिख रहा हूँ मैं, बी। अदरवाइज यहाँ पर तो क्या होगा, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एन ए आई है, ऑब्वियसली एन ए आई होगा, तो ये ओ टी एस बाहर जाएगा, इन्वर्जन होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर करें ये कंसेप्ट्स, तो आंसर बी ही जाएगा इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रेंशन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से करिए इसका आंसर। 4th का आंसर क्या जाएगा, जल्दी से सी टिक करिए, और 5 का आंसर क्या जाएगा, बी, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इजी इजी हो गया, आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा अपने पे भी विश्वास रखिए।